हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैंसी बर्ड्स एंड कैटल्स। मैं आपको आज एक बताने लगा हूँ कि टेम हैंड टेम कैसे करे जाते हैं बच्चों को। तो मैंने आमतौर पर पहाड़ी और ग्रे पैरट वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने कुछ हैंड टेम किए अपने बच्चे फिशर के, ब्लू के और फिशर के हैं और कुछ ब्लू हैं और कुछ मुख्तलिफ कलर के बच्चे हैं जो मैंने हैंड टेम किए, और उनको इनको हैंड टेम करने का तरीका भी बताता हूँ। और ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह के हैंड टेम हो गए, और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बहुत छोटे थे, आज माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ और ये बहुत से बड़े हो गए, बिल्कुल समझदार हो गए और बात को समझते हैं और सब करते हैं। तकरीबन हैंड टेम हो गए। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि फीड खिलाएंगे, फीड क्या दी जाती है, फीड में क्या चीज़ देनी चाहिए जो इससे हैंड टेम हो। तो इनको फीड के अंदर मैं इनको ऐसी चीज़ देता हूँ ताकि इनको कहीं कहीं वो चीज़ के लिए इनको ये महसूस करें ज़रूरत। तो मैं इनको जो ना फीड के अंदर ऐसी चीज़ मिला के देता हूँ ताकि ये मेरा इंतज़ार करें और ये मेरे सही तरीके से मेरा हैंड टाइम हो जाए। तो ये इनको एक तरीके का नशा हो गया जो मैं इनको देता हूँ, और इसमें मैं इसमें कंगनी, बाजरा और गुड़ एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं इनको देता हूँ इसके अंदर मिक्स करके, ताकि ये मेरा इंतज़ार करें और मेरे खाने में इनको एक नशा सा महसूस हो। हैंड टाइम करने का तरीका ये है कि इनको कि एक ही आदमी है, कम से कम एक घंटे में, डेढ़ घंटे में इनको इनके पास जाए, उनसे बातचीत करें और उनको अपना चेहरा दिखाए, उनको फीड वीड करें, तो ये मानूस हो जाते हैं। तो अब मैं चैलेंज दिखाता हूँ आपको ये हैंड टाइम किस तरह हो क्या है, मैं दिखाता हूँ। ये सब मेरे पास जितने सात इसमें छोटे बड़े सब हैं, ये पिछली वीडियो में दिखाया था आपको छोटे, लेकिन ये सब माशाल्लाह बड़े हो गए। ये देखें ये सब खा रहे हैं और बिल्कुल हैंड टाइम है माशाल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से हो गए और समझते हैं बात को। अभी थोड़े छोटे हैं इंशाल्लाह ताला, ये जब बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये उड़ भी होंगे, फ्लाइंग व्लाइंग कर रहे होंगे घर में, और ये सब जो ना मेरे बिल्कुल मेरे कहने पे चलेंगे, इनको मैंने ऐसा कर दिया है। तो हैंड टाइम करने के लिए उनको थोड़ी सी बातचीत भी करते रहता हूँ मैं, और ये इनको मैं दे रहा हूँ, उनको कोई सिरिंज से दाना देने की जरूरत नहीं है। लोग जो बताते हैं दुकानदार सिरिंज लें और ये करें, कुछ ये देखें खुद भी खा रहे हैं, ये इसको समझ गया, इनको सबको पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है। इसी तरह के देखिए देखिए बच्चे खा रहे हैं, ये जहाँ मेरे को देखते हैं तो ये बच्चे पीछे लग जाते हैं, खाने की आवाज़ें देते हैं खाने खाने के लिए। ये देखें हैंड टाइम हुए बच्चे फिर, ये देखें कोई सिरिंज जैसे कोई देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बाजरा, कंगनी और सूरजमुखी के बीज, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मैंने डाला है ताकि ये बच्चे सही से पैट बन जाए, सही से पालतू बन जाए, और मैं इंतज़ार करें क्योंकि एक ऐसी चीज़ इसमें डाली है मैंने। आम तो चाव बाजरे और कंगनी का कोई नशा तो होता नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिठास है तो ये बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं और फिर इंतज़ार भी करते हैं। और तकरीबन ये एक मेरे ख्याल ये दो हफ्ते के हो गए बच्चे, ये देखें खुद भी खा रहे हैं, ये मैंने इनके सामने रखा है, ये खुद भी खा रहे हैं, ये खुद भी खाएंगे, ये देखो टाटा के आप ये देख सकते हैं। तो इनको कोई ऐसा जरूरत नहीं है बाजरा कंगनी, और लोग बाहर से फीड ला के डब्बे खरीद के 800-1200 देते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखें मांग रहा फीड, ये कह रहा फीड खिलाओ, बाजरा खिलाओ, ये भूखे हैं, ये मैं इनको 2-3 दफ़ा डालता हूँ, बाकी मेरा बेटा है वो इसको देखता है, वो बेटे को भी पहचानते हैं। तो ये देखें एक अब तकरीबन मैं कल कुछ तोतों में से जो ना मेरा 10-12 दिन है ये पूरे हो जाएंगे, और मैं कल फ्लाइंग व्लाइंग करेंगे और इशारे पे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बात समझते हैं, अभी बोलते नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मेरे को लग रहा है कम से कम 1-1.5 महीने लगेंगे बोलने में। कुछ मैंने इनको वर्ड्स बोले हैं तो इंशाल्लाह ताला ये बोलेंगे, इससे ज़्यादा लंबे चौड़े लफ्ज़ नहीं है इनको, उनको थोड़े बहुत सिखाया है, मिट्टी उट्टू बोलना सिखाया है मैंने, देखें कब तक बोलते हैं। फीड वगैरह मैं देता हूँ उनको, ये फीड वगैरह खाइए माशाल्लाह, और कलर भी बहुत खूबसूरत है, ऐसे कलर नहीं, 3 फिशर हैं, बाकी एक ब्लू है और ये एक ब्लैक मूव है, पता नहीं क्या है, ये एक इसमें बच्चा है। अभी क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल बाल नहीं है तो उनको पता नहीं चलता कि क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, लेकिन एक मेरा आइडिया है। बाकी तो ये दो चार तो बड़े हुए हैं, फिशर बड़े हुए हैं, ब्लू बड़े हुए हैं, ये देखें बहुत आसानी से खाते हैं, हैंड टाइम कर सकते हैं, चाहे कॉकटेल का बच्चा हो या कोई भी हो, उसको यही तरीका एक दफ़ा 4-5 दिन तक आपको खिलाना, 4-5 दिन के बाद इंशाल्लाह तरह बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास बात समझने लगते हैं, और ना ये काटते हैं ना कुछ करते हैं, ये देखें कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खाना मांगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगर किसी और को और बच्चे के बारे में पूछना हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर पूरे ये बड़े हो जाएंगे, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या सीखा है उन्होंने, क्या है क्या नहीं है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।